जी हाँ नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूँ। एमपी बोर्ड की सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है, वो कब आने वाला है इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट इस दिन आने वाला है, उस दिन आने वाला है, अप्रैल के यानी फर्स्ट वीक में आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से कितनी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, 25,000 उत्तर पुस्तिकाएँ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की, उनकी चेकिंग अभी स्टार्ट हुई है। 25,000 में से मात्र 3,000 उत्तर पुस्तिकाओं की ही अभी तक जांच कंप्लीट हो पाई है। यानी कि एमपी बोर्ड की इन 25,000 कॉपियों को जांच करने के लिए कम से कम 100 जांचकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, यानी इतने टीचरों की आवश्यकता थी, लेकिन 100 टीचरों में से अभी तक मात्र सिर्फ 25 अध्यापक ही कॉपियों की जांच करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये सब देखते हुए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो 10 या 11 या 12, इन 3 तारीखों में ही आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो आने वाला है। 10 अगस्त या 11 अगस्त या 12 अगस्त, इसी बीच में ही आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए मैं आपको और बता देता हूँ एमपी बोर्ड की तरफ से क्या हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6,125 और दसवीं की 15,800 कॉपियाँ हैं, इनका मूल्यांकन अभी बाकी है। यहाँ पर 20 ही मूल्यांकनकर्ता पहुँचे हुए हैं, अगर पूरे 100 के 100 पहुँच जाएंगे तब ये मूल्यांकन कार्य वो 10 अगस्त तक कंप्लीट हो पाएगा। जब ये मूल्यांकन कार्य कंप्लीट होगा तभी आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये था लेटेस्ट अपडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।